नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष कनाडा से एक और नई व्लॉग में जो है आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें आप लोगों को दिखाने वाला हूं। पॉन्टियक है डॉक्टर, पॉन्टियक पॉन्टियक कंपनी का नाम है, गाड़ी का नाम है ग्रैंड एम। तो ऐसी कार कितने की मिल जाएगी डॉक्टर साहब कनाडा में? ये बहुत सस्ती मिल जाएगी डॉक्टर साहब, ये लमसम मिल जाएगी आपको 2000 से भी कम कम में ही मिल जाएगी, क्या बताऊँ। तो जी, वो जो सुंदर जगह आपको मुझे दिखानी थी वहाँ पर पहुँच चुके हैं हम। एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करना चाहूँगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे देख करके बताओ कि कैसा लगा आपको ये कनाडा। तो जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे तो रास्ते में लोगों के जो घर थे, वहाँ की जो आसपास की जगह थी, उसकी भी मैंने एक छोटी सी वीडियो बना ली। ज़्यादा लंबी पूरी की पूरी वीडियो नहीं है ये, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको लास्ट तक देखेंगे। और एक जो चीज़ मैंने नोट की है कि कनाडा में सुंदरता, ब्यूटी जो है भाई नेचर की, वो सचमुच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और बहुत ही ज़्यादा अलग तरह की है। ठीक है, एक तो यहाँ पर प्रदूषण नहीं है, उसका भी फ़ायदा यहाँ पर लोगों को मिलता है। तो इसमें मेरी कोई भी कलाकारी नहीं है भाई, ना तो मेरे पे बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो बनानी है, ना मैं कोई ज़्यादा बड़ा वीडियोग्राफर फोटोग्राफर हूँ। लेकिन हाँ, जो सिंपली मुझे मेरी आँखों को जो चीज़ें दिखाई दे रही थी वो मैंने अपने कैमरे से शूट कर ली। और मैं सही बताऊँ तो मुझे मेरी आँखों को तो जो सुंदरता दिखाई दे रही है ना, वो इस वीडियो से कम 10 गुना ज़्यादा मुझे वैसे दिखाई दे रहा है। क्योंकि भाई हमारी आँखों का तो जैसे कोई कंपेरिजन ही नहीं है किसी कैमरे से। लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि इस कैमरे ने बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर जो है आज यहाँ की आसपास की जो ब्यूटी है उसको कैप्चर किया है और आप लोगों को दिखाया है। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं पिछले 6 सालों से यूट्यूब की वीडियो बनाता हूँ, पर मैंने कभी किसी को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा। अब इसलिए कहता हूँ क्योंकि यहाँ के जो इंग्लिश पीपल हैं, इंग्लिश लोग हैं, उनको जब मैं मिलता हूँ, उनको जब मैं बताता हूँ कि हाँ भाई मेरा भी चैनल है, क्योंकि वो मेरा कैमरा देख करके मुझसे पूछ लेते हैं कई बार, तो फिर मुझे कहना पड़ता है कि हाँ भाई मेरा ये चैनल है। तो जी, यहाँ के जितने भी आसपास के घर हैं गांव में, मतलब एक तरीके से गांव जैसा सही माहौल है इधर की तरफ। और वैसे तो ये टाउन है बेसिकली एक, और इसके आसपास जितने भी लोगों के घर हैं आप देख सकते हैं कि कितनी कितनी दूरी पर लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं। सुविधा साधन सारे हैं उनके पास, जितने भी घर हैं सबके बाहर आपको जो है ना अच्छी अच्छी कारें खड़ी हुई मिल जाएंगी, और सारी फैसिलिटी इनके पास यहाँ पर है। जो शहर है यहाँ से सिर्फ 4-5 किलोमीटर दूर है, तो इतना तो जो है ना हमारे इंडिया में इतनी दूर तो जो शहर होता है उससे शहर से ही सारे मार्केट वार्केट होते हैं। तो इनके पास सारी सुविधा फैसिलिटी तो है यहाँ पर, आप जो ब्यूटी है उसका आप मज़ा लेते रहिए। तो हमारे इंडिया में जिस तरीके का सिस्टम होता है ना कस्बे वगैरह में, उस तरीके का सिस्टम नहीं होता है यहाँ पर। आप लोग महसूस भी कर रहे होंगे कि भाई हर चीज़ जो है ना वो बिल्कुल ही अलग सी है, अलग ही तरीके से। और जो लोग हैं वो बहुत ही कम आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना। तो लोग हैं यहाँ पर, रहते हैं, लेकिन वही है कि ना तो कोई अपने घर से बाहर आपको दिख रहा है और ना ही जो है कोई ऐसे बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि लोग ही यहाँ पर कम है, इतने ज़्यादा लोग है ही नहीं। तो इसलिए जो है यहाँ की कनाडा की गवर्नमेंट भी चाहती है कि इधर की साइड में आकर के लोग रहें। धीरे धीरे जो कनाडा है उसकी उसका जो क्षेत्रफल है वो तो बहुत ज़्यादा बड़ा है ना। इतनी बड़ी लैंड होने के बाद भी इतने कम लोग हैं तो डेवलप कैसे होगा? डेवलप धीरे धीरे ऐसे ही होगा जब लोग आएंगे। तो इसीलिए जो है वो जल्दी जल्दी चाहते हैं कि जो दूसरी कंट्री है जो लोग हैं वो आएँ भाई अपना आ करके यहाँ धीरे धीरे सेटल हों।
ये जो है आसपास की वीडियो तब की हैं, दिन में ना कार देखने गए थे।